नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के अलवर में बीफ मंडी के खुलासे से हड़कंप मच गया है। बीहड़ में सालों से चल रही बीफ मंडी पर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जयपुर रेंज के आईजी ने किशनगढ़ बास थाने के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। तो एसएचओ समेत 38 को लाइन हाजिरी किया गया है। जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है उनमें एएसआई ज्ञानचंद बीट, कांस्टेबल स्वयं प्रकाश, रविकांत और हेड कांस्टेबल रघुवीर शामिल हैं। दरअसल एक अखबार में इस बीफ मंडी की तस्वीरें छपी तो जयपुर तक हलचल मच गई। खुद आईजी उमेश चंद्र दत्त ने छापेमारी की। इस दौरान 12 बाइक और 1 पिकअप बरामद की गई। गोवंश के अवशेष भी बरामद किए गए और इन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। कहां लगती है बीफ मंडी और कैसे चल रहा था पूरा खेल अलवर के किशनगढ़ बास में, अगर इसकी हम बात करें तो बीहड़ के बीच बसे बीर संगपुर के पास रुंद गिदवड़ा में दिन दहाड़े गोकशी होती थी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है यहाँ पर हर महीने 600 गायें काटी जाती थी। हर दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ मांस खरीदने पहुँचते थे। तो वहीं मेवात के करीब 50 गाँव में होम डिलीवरी भी होती थी। पुलिस से मिली भगत का आरोप है कि किशनगढ़ बास थाने के पुलिसकर्मियों को मंडी की पूरी खबर थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। अलवर से करीब 7 किलोमीटर दूर इस इलाके में करीब बीफ की बिरयानी भी बेची जाती थी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मांस और खाल बेचकर यहां के कुछ लोग महीने में 4 लाख से ज़्यादा तक की कमाई कर रहे थे। एक्शन के बाद गांव में भागे मर्द। जी हां, रूच गिदवड़ा में पुलिस के एक्शन से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गांव के लगभग सभी मर्द इलाका छोड़कर भाग चुके हैं। गांव में सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बिस्तर पड़े हैं। पुलिस अब दबिश देकर आरोपियों को दबोचने की कोशिश में जुट गई। बीहड़ में उनकी तलाश की जा रही है। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।